ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में एक फंक्शन गिवन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम करेंगे उसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करके कुछ आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए उसको हम जीरो पुट करेंगे, फिर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे उनके बेस पर हम नंबर लाइन में उसको डिवाइड करेंगे इंटरवल में, और फिर जो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स हैं उसके अंदर एक्स की वैल्यू पुट कर करके एफ डैश एक्स के साइन को चेक करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड कर लेते हो आप, अगर आप क्रिटिकल पॉइंट भी इंक्लूड कर लेते हो तो वो जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो जाएंगे। नहीं, एग्जाम होंगे ऑनलाइन फॉर्मेट में हो जाएंगे। आपसे एक मैं आपको बताता हूँ, देखो अपने तक रखो इन बातों को। होना क्या है कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो एसेसमेंट होनी है वो इस तरह से होनी है, क्योंकि लास्ट ईयर वालों को तो निकाल दिया, बट आप लोगों का जो भी एग्जाम होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में जाएगा। तो इस बात को देखते हुए हमें क्या है, अपने आप को एमसीक्यू में, एमसीक्यू भी आपके चार टाइप के होते हैं। हाँ, कोई अभी कुछ नहीं कराया तुषार, एमसीक्यू चार टाइप के होते हैं आपका, बिल्कुल सिलेबस नहीं आया है। देखिए एमसीक्यू में क्या है, एक आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल पाथ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। सेकंड आपका आएगा ट्रू फॉल्स टाइप, तीसरा आएगा मैच द कॉलम, ठीक है, और जो है आपका फिर मल्टीपल चॉइस, फोर ऑप्शंस। एक और बनता है जिसके चांसेस थोड़े कम है, एजर्शन, यस एजर्शन एंड रीजनिंग, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर ये आया तो फिर हमें थोड़ा अपना लेवल और अप करना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये लास्ट वाला आया, ओके वासु देख लेंगे, काफी अजीब होता है, एजर्शन में दिक्कत आएगी। अब फिजिक्स में डेरिवेशन के चांसेस काफी कम है, अभी तो कोई स्कोप नहीं बन रहा कि जो हो जाए, हमें ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल। करना क्या है, देखो चैप्टर सारे कंप्लीट करके चलेंगे क्योंकि कोई भी सिचुएशन आ सकती है, बट हाँ सारे सब्जेक्ट्स में वो एमसीक्यू ही लेने की कोशिश करेंगे किसी भी तरह से, और ये पॉसिबल है। सो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अपने आप को एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लोड डालना है, और मैं पूरी कोशिश में लगा हूं कि मैं आपको रोज एक एमसीक्यू जरूर प्रोवाइड करेंगे। सर वैसे अगर ऑमिट हुए तो भी कौन से चैप्टर होंगे, बिल्कुल ऑमिट होने में जो चांसेस बन रहे हैं वो लास्ट में जो है अभी तक की सिचुएशन बताती है कि वो आपका वेक्टर और 3D पर जाएगा। वेक्टर 3D हो सकता है, वेक्टर 3D तो जाएंगे ही जाएंगे आपके, ये दोनों ये कंफर्म है इन दोनों का जाना। और इसके अलावा अगर ज्यादा ही उन्होंने कम करना हुआ, रिलेशन फंक्शन भी जा सकता है। अगर फर्स्ट बुक से गया तो चैप्टर वन ही जाएगा रिलेशन फंक्शन। ये चार के चांसेस हैं बस। एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, देखो लीनियर प्रोग्रामिंग, अब मेरे को तो क्या लगता है कि देखो मुझे तो सारे अच्छे लगते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं तो इसमें नहीं कर सकता कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। अभी कहते मुझे तो लगता है वेक्टर बहुत बहुत अच्छे चैप्टर हैं दोनों, क्योंकि एक बार समझ लो तो ये श्योर हो जाते हैं कैसा भी क्वेश्चन आ जाए दिक्कत नहीं आती। हाँ तो मैं इसलिए तो मैं चाहता हूँ आपको भी सिखा दूं, मैं डिसाइड नहीं कर पाता इनमें से कौन सा चैप्टर बेकार है। हाँ अगर 11th की बात होती तो मैं सजेस्ट करता बच्चों के अकॉर्डिंग। हाँ दिव्यांशु, ये बड़ी बात बोल रहे हो आप, मेन से ऑमिट नहीं होंगे अभी। अभी वो बच्चों का बहुत फोन आ रहा है कि आपने यूट्यूब क्लास बंद क्यों कर दी है, उन्हें स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। तो मुझे लगता है हमारे बच्चे नहीं आते तो फिर क्या करेंगे। प्रशांत जी तो गलत है, अच्छे चैप्टर रहते, नहीं अच्छे बुरे कुछ नहीं है प्रशांत, जो कर लो उसको अच्छा। इससे एंट्रेंस पे भी कोई चेंज होगा? नो, एंट्रेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्रेंस हमेशा की तरह आती है। सो अब की बार आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, बहुत कम बच्चों के पास में, बहुत कम बच्चों के पास में गोल्डन चांस होता है कि
इस बार एंट्रेंस में कंपटीशन कंपटीशन बस आपका 30% पर पहुंच जाएगा। वेक्टर आता है बेटा रिया, आप साइंस स्ट्रीम में हो कॉमर्स में हो? आई होप आप साइंस में हो शायद। ऐसा इसलिए है, सोच के बताओ, मैंने पहले भी एक दिन बात बताई थी आपको। ओके कॉमर्स नहीं, उसमें नहीं आएगा फिर रिया। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्लासेस आपको मिल रही हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको क्या लगता है पूरी इंडिया में कितने बच्चों के पास में ये फैसिलिटीज होंगी? सोचो कितने लोगों का सब्जेक्ट, बिल्कुल जो आप पढ़ रहे हो, जिस तरह से आप सिलेबस कवर कर रहे हो, जितने आप एमसीक्यू करते हो, 6 मार्क्स के करते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखो कितने लोग इंटरेक्टिव तरीके से क्लासेस ले पाते हैं या अवेलेबल है। गवर्नमेंट स्कूल में ऑनलाइन क्लास होती है, उनका लेवल चेक करना, बिल्कुल बहुत ही कम के पास में है ये। डिफिकल्टी भी कम रहेगी, काम हो जाएगा। आप ये जो एमसीक्यू कराते चले गए ना हम, तो आपका काम बन जाएगा। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चे एंट्रेंस, ये बिल्कुल सही कह रहे हो शौर्य है। बच्चे क्या है, एंट्रेंस को इग्नोर कर देते हैं बोर्ड के आगे, अब बस यहीं पे आपका काम बन जाएगा। यस आयुष, सही कह रहे हो आप। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपके पास एक फंक्शन गिवन है, तो हमने क्या करा, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने से हमको मिला 4x-3, ये करा दिया था। चलो हो गया, अब तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमने इसको 0 पुट किया, रिवीजन से हो जाएगा। 0 पुट करने से 4x-3 0 आ गया और x की वैल्यू आ गई 3/4। फिर क्या बनाएंगे, एक एक बना देंगे हम नंबर लाइन। ठीक है जी, नंबर लाइन बन गई। अब नंबर लाइन में आपने पॉइंट्स बनाए, एक ही पॉइंट बनेगा वैसे तो, क्या है वो पॉइंट, 3/4। इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर आपके पास प्लस इन्फिनिटी। फिर इंटरवल डिसाइड करो, आपके पास इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन ले रहे हैं, और 3/4 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन, 3/4 हमारी चॉइस से ओपन। ठीक है, आपको जो एक्सप्रेशन चेक करना है वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक का ही करना है। ओके अभी बताते हैं बेटा, मैं आपको बताता हूँ सारी बात। देखो इन्होंने क्या है, वैसे गुड सही बात है, इन्होंने जस्ट इंक्रीजिंग और जस्ट डिक्रीजिंग बोला है, तो ऐसे में करो क्या कि आप लोग इसमें फिर क्लोज को कंसीडर करो, तो ये क्लोज हो जाएगा, ये तो हमेशा ओपन रहता है, ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जस्ट इंक्रीजिंग बोला है। जस्ट इंक्रीजिंग में तो क्लोज आता है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो ओपन आता। अब देखिए आपके पास में एफ डैश एक्स है, जो कितना है 4x-3, इससे मिल जाएगी आपको नेचर। तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करो, 0 पुट करते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो हो गया आपका, ठीक है। हाँ कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजन है ब्रैकेट को लेके, वो बोलते हैं इंक्रीजिंग, कर देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो वहां ये दिक्कतें चलती रहेंगी। और यहाँ से बड़ा कोई नंबर लो, 4 लो, तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। क्वेश्चन खत्म। नहीं मैम इससे ही करेंगे, ये जैसे नॉर्मली होता है वो क्लोज पे ही करेंगे, स्ट्रिक्टली को बेस, स्ट्रिक्टली के बेस पे नहीं करते वो एंट्रेंस में, लेकिन यही मैटर करेगा। जनरली सब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे ही आता है, स्ट्रिक्टली के बेस पे नहीं आते क्वेश्चंस, जस्ट इंक्रीजिंग पे ही आएंगे। रोज एक असाइनमेंट करने को तैयार हो सारे बच्चों? ऑल स्टूडेंट्स बताइए भाई। चलो बहुत अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन सेम, बिल्कुल बात बिल्कुल प्रेजेंटेशन सेम है, सब कुछ है, एक आध कोई स्टेटमेंट देना छोटा मोटा डाल सकते हो बस, सब कुछ ओके है।
ओके बेटा रिया, राइट, देखो अगर आप इतने रहोगे तो बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बेटा, सो एफ डैश एक्स निकालेंगे। वीडियो देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा। हाँ टेबल बना सकते हैं, नहीं बनानी है बेटा, बनानी है टेबल। ठीक है, यहां से 6 कॉमन लिया, ये भी हो गया था, ऐसा तो नहीं लग रहा। बिल्कुल डेड बॉल है, डेड बॉल। डेड बॉल कैसे होती है बेटा? डेड बॉल का मतलब हुआ कि बिल्कुल इजी। अच्छा, जैसे हिंदी में लुढ़काई बॉल बोलते हैं। यस ठीक है, तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो पाथ ये कर सकते हो, मैंने सीपी लिख दिया, आप क्रिटिकल पॉइंट्स लिख देना। वीडियो में तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, वीडियो में तो एक्स्ट्रा भी होते हैं, एग्जाम्पलर के भी होते हैं सारे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब इसमें हम लोग आगे चले तो क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन बनाने के बाद हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है माइनस का 2, एक पॉइंट आ रहा है 3। अब देखो सब में ही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं, अगर स्ट्रिक्टली नहीं आएगा तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बनाते हैं। एक तो ये ऊपर टाइटल आ जाएंगे सारे, फिर आपका फर्स्ट इंटरवल आ जाएगा, फिर आपका सेकंड इंटरवल आ जाएगा, फिर आपका थर्ड इंटरवल आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंटरवल लिख देंगे, यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका 6 आ जाएगा, फिर x-3 आ जाएगा, फिर ये x+2 के लिए आ जाएगा, यहाँ कंप्लीट का साइन आ जाएगा और यहाँ नेचर आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 का साइन हमेशा कैसा है, पॉजिटिव ही होगा। इंटरवल लिख लेते हैं, इंटरवल में कौन है आपका, माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज लेंगे क्योंकि बात जस्ट इंक्रीजिंग की हो रही है। फिर आप -2 से 3 लेंगे, यहाँ भी दोनों क्लोज, फिर आपके पास 3 से इंफिनिटी। ठीक है जी, अब एक एक्सप्रेशन है आपके पास x-3, एक एक्सप्रेशन है x+2। एक मिनट अनुभव, अभी देखते हैं। फिर आपका एफ डैश एक्स, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, नेचर। देखो अगर आपका कोई क्रिटिकल पॉइंट निकल ही नहीं रहा तो उसका भी एक है। हाँ, और अगर क्लोज इंटरवल है तो नंबर लाइन पे हम डॉट्स को फिल करना होगा, कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है। बिल्कुल अनुभव, तुम्हारी बात बताएंगे हम अभी। अभी माइनस इनफिनिटी और -2 के बीच का कोई नंबर सोचो, से -3, -3 पुट करते हैं तो नेगेटिव आएगा, -3 पुट करते हैं नेगेटिव आएगा, मिलकर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, नेचर हो गई। मोड एक्स डाल दें, तो एक्स की जगह मोड एक्स डाल दें। हाँ मोड एक्स का भी क्वेश्चन हो जाएगा, हो जाएगा, मोड एक्स से भी फैक्टर करने पड़ेंगे। -2 और 3 के बीच का 0 सोचते हैं तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग हो गया। 3 और 3 के बीच का 5 डाला, 5 डालने पर 5-3 पॉजिटिव, 5+2 7 पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 से पॉजिटिव। अगर क्लोज ब्रैकेट लगाने से इन्फिनिटी आ रहा हो तो लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाने से इन्फिनिटी आ रहा हो, इन्फिनिटी वाले पॉइंट को तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो डोमेन में नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड कंसिडर नहीं होगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि -∞ -2 और 3 से लेकर इन्फिनिटी, इस पूरे में हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, और -2 से 3 पर आपका फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। 3 इंक्लूड होगा, यस यस यस, 3 दोनों में ही इंक्लूड होगा, 3 दोनों में इंक्लूड होगा, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड होंगे हमेशा।
चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो डिक्रीजिंग है। तो सर जीरो भी हो सकता है x माइनस थ्री, तो हाँ तो x माइनस थ्री जीरो हो जाएगा ना, थ्री रखोगे तो जीरो ही हो जाएगा ये आपका। आप यूनियन का साइन क्यों लगाते हो? हाँ यूनियन का मतलब होता है इसमें एंड इसमें कंबाइन, यूनियन मींस टू कंबाइन, इस इंटरवल में माइनस इनफिनिटी से माइनस टू कंबाइन थ्री टू इनफिनिटी। ये सर जैसे बुक में कभी गलत प्रिंट हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है कि क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए ओपन? हमें जब बातें पता है, एक दिन की बात है, आप में से किसी ने मुझे एक डाउट भेजा था कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं, तो मैंने को तुरंत बताना पड़ा कि वो एनसीईआरटी में गलत प्रिंट हो रहा है, फिर नए एडिशन की एनसीईआरटी देखी तो उसमें सही प्रिंट हो गया था। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बुक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इससे फर्क नहीं पड़ता। जीरो को पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेंगे? कुछ भी नहीं लेंगे, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। माइनस टू थ्री में थ्री या माइनस टू ले सकते हैं टेबल में वैल्यू के वक्त, नहीं उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा ना, उससे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा आपका, उससे जीरो आ जाएगा तो नेचर पता नहीं लगेगी ना। आपको इन बिटवीन का नंबर लेना है, बिटवीन, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट से तो जीरो ही आना है हमेशा। सर टेबल में चिराग आपका डाउट ऊपर रह गया, शायद मैंने बता तो दिया है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। सर टेबल में साइन पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जीरो से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फिर x माइनस थ्री में थ्री इंक्लूडेड तो उससे कैसे लिया? उससे जीरो आंसर आया। अगर x माइनस थ्री की आप बात कर रहे हो और मैंने यहाँ थ्री पुट करा तो इससे मुझे f डैश x कितना मिला? f डैश x जीरो मिला, ठीक है जी। अब सेकेंड इंटरवल की बात करो डिक्रीजिंग है, थर्ड की बात करोगे तो जीरो और पॉजिटिव, तो ये जीरो है या पॉजिटिव है, और जीरो या पॉजिटिव हो तो आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग। जीरो या नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, तो जीरो वाले को तो कहीं भी ले सकते हो। सर जैसे कुछ वैल्यू पुट होने पर एफ डैश एक्स जीरो आएगा तो फिर कैसे? बिल्कुल सुनो, उन पॉइंट्स को तो हम कंसीडर इसीलिए तो नहीं करते, हम क्या कहते हैं हमेशा, इनके बीच की वैल्यू लो, उनसे कभी जीरो नहीं आएगा। तो नेचर का पता लगाना है तो क्रिटिकल पॉइंट से बनने वाले इंटरवल के बीच की वैल्यू लेनी है, इंटरवल के बीच की वैल्यू लेनी है, कॉर्नर नहीं लेने, उनसे हमेशा। आपको मैं बताता हूँ और डिटेल में समझो, शायद मैंने आपको वीडियो में भी समझाई होगी बात, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं, आराम से समझिएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया था एक माइनस का टू और एक बनाया था ओपन लेते, बिल्कुल सही बात है। अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना हो पाए तो डी मेथड यूज कर लो, श्लोक, ओके डी मेथड तो आता है। आप सुनो, अभी क्या हो रहा है, इस इंटरवल से आपकी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इस क्रिटिकल पॉइंट से आ रही है जीरो, इस इंटरवल से आ रही है नेगेटिव, इस क्रिटिकल पॉइंट से आ रही है जीरो और इससे आ रही है पॉजिटिव। तो अगर कोई आपसे कहे स्ट्रिक्टली तो आप ऐसे ले लो, रियल रूट्स ना आए तो कोई भी वैल्यू पुट करके देखना, पॉजिटिव आएगा तो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो हमेशा नेगेटिव। फिर ए के साइन पे डिपेंड करता है, जो ए का साइन होगा वही उसकी नेचर होगी, देख रहे हो। और अगर मैं यहां पर ऐसा ले लूं तो आप देख रहे हो, इसका मतलब था सिर्फ पॉजिटिव वाला, लेकिन इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बहुत आसान क्वेश्चन है, निग्रह करवाए हुए सारे, एक बार वीडियो भी देख लेना, सारे कराए हुए, सारे, एक भी ऐसा नहीं जो ना कराया हो डिफरेंशिएशन में, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गई बात, ये कुछ पता चला इसका? तो क्रिटिकल पॉइंट से क्या मिलता है हमेशा आपको, जीरो मिलता है, और इंटरवल से मिलते हैं प्लस या माइनस, यहां से कभी जीरो नहीं मिलेगा, इस पूरे से आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा, इस पूरे से आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलता रहेगा। हाँ साइन वाला हम समझेंगे, अरे अच्छा वो वाला बता देंगे, क्रिटिकल पे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, क्रिटिकल चेंजिंग पॉइंट होते हैं, वहां जीरो हो जाता है, सो ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है, वो होता है ऐसा पॉइंट, ये है वो, दिस इज क्रिटिकल, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अरे
वीडियो में तो जबरदस्त क्वेश्चन है, सेलेक्टेड। वीडियो के क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है बेटा, वो तो नंबर वन क्वेश्चन है। लेकिन ये बताओ, वीडियो के क्वेश्चन उसी को समझ में आएंगे जो क्लास में होता है प्रॉपरली, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी कंसेप्ट है ना, चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर दो लेकिन क्लियर नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, क्लास से पहले वीडियो देख लो, पूछो, डाउट जम के वहां पे पूछो, टाइम स्टैम्प के साथ। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसके ने डाउट पूछा और डाउट क्लियर ना करा वीडियो वाला? जो भी आप डाउट वहां पे वहां पुट करते हो, बिल्कुल वीडियो देखना एक टास्क तो है, लेकिन आप देखो कि आपका लेवल कितना ऊपर होता जा रहा है। आज जो जा रहा है एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, वो औरों से बहुत आगे निकलने वाला है। सर अगर 3 की पावर तक आ गई तो आगे तो आ जाएगी, करा देंगे सारा। ये तो है, क्या बैक कर करके देखो, ये तो यही तरीका है। बिल्कुल बैक कर करके देखो, फिर से सुनो, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो क्या कहा था। उधर जैसे एक डिटेक्टिव होते हैं, रिकॉल करते हैं पूरी पूरी सिचुएशन को, तो उस तरीके से ही क्वेश्चन करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके देखिए, क्वेश्चन आपके पास 6। निग्रह आपका भी बता देंगे डाउट, कोई मुश्किल नहीं है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनना है उसमें बस। अगर आप वीडियो देख के बैठे होंगे ना, तो अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मैं जो कुछ भी करूंगा, चाहे मैं कुछ भी करूं, कुछ भी, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब कुछ। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या करना है, तुम्हें ये लगेगा ये कुछ हो भी रहा है, ये सब हमें आता है। एक्स की वैल्यू आ गई -1, बनाई नंबर लाइन, क्रिटिकल पॉइंट लिया -1, इंटरवल कौन कौन से आए, -∞ -1। अरे अब की बार देख रहे हो भाई, आपका फेवरेट आ गया, स्ट्रिक्टली आ गया इसमें तो। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली आ गया तो हम क्या करेंगे, अब की बार ओपन ब्रैकेट लेंगे। ओके, एफ डैश एक्स का साइन और आ गई आपकी नेचर। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, अब -∞ और -1 के बीच का कोई नंबर सोचो, कोई नंबर। -2 सोच लू, -2 पुट किया, -2 पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ 0 पुट किया तो आपका पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ जी, किसी को समझ में ना आया हो तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें, बात करें, बताएं अभी जल्दी जल्दी से। आगे चिराग को गुड, जय तुषार। सर पता कैसे चलता है कि स्ट्रिक्टली होगा या नहीं, वीडियो नहीं देखेंगे तो मजा आता है प्रशांत, यही वाला। अगर ओपन ब्रैकेट लेते हैं ना, देखो ये -1 है बेटा, तो -1 को मत लो तो स्ट्रिक्टली आएगा, और अगर -1 को ले लिया तो स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। अगर मैं ये लिखता ना प्रशांत ऐसे, तो ये जस्ट डिक्रीजिंग होता, बट अभी मैंने लिखा है ऐसे, तो ये स्ट्रिक्टली हो गया। हिमांशी भी बोल रहे हैं गुड, आर्यन बढ़िया बेटा, हमारी मर्जी होती है मतलब, नहीं, मर्जी नहीं। आप यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, अगर स्ट्रिक्टली नहीं पूछा होता तो ऐसे लगाते। आगे समझ, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और जस्ट डिक्रीजिंग पूछा हो तो, हाँ ठीक है, तो जस्ट डिक्रीजिंग पूछा है, जस्ट डिक्रीजिंग पूछा तो यहाँ पे इंक्लूड कर लो, ये जस्ट डिक्रीजिंग हो गया, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा तो ऐसे दे दो आप। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये जस्ट डिक्रीजिंग है। ओके बेटा, सेकंड भी हो गया, सेकंड करो जल्दी से सारे, व्हाट्सएप करो और मुझे चेक करता हूँ मैं क्या पोजिशन है।
ओके चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिया बेटा। वंशी का इक्वल टू लगाना था बेटा, नॉट इक्वल टू नहीं, क्वेश्चन इज ओके, बट ये नॉट इक्वल टू वाला साइन गड़बड़ था बस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, शुची बेटा, ओके गुड। गुड बेटा, आयशा सही है। ओके नहीं नहीं याद है ना, ऐसा नहीं है। हाँ जी श्लोक, बात वेरी गुड बेटा। श्रेया बेटा, छवि शाबाश, रिंकी गुड बेटा, अनिष्का ठीक है, ज्योति बढ़िया बेटा, बाकी भी कर डालो। और देखो किसी में डाउट आता है नहीं, श्लोक ओके बेटा। राघव वेरी गुड बेटा, बेटा कर रहा हूँ चेक, में बहुत सारे आ रहे, एक बार सोचो ना, 40 सॉल्यूशंस एकदम आ गए मेरे पास। राघव सही है बेटा, वरुण वरुण गलत हो गया, ब्रैकेट गलत हो गए, स्ट्रिक्टली पूछा है आपने, लिखा सही है लेकिन पूछा है स्ट्रिक्टली उन्होंने। यहाँ भी दिक्कत है मुकुल, उन्होंने स्ट्रिक्टली पूछा है, देखो चेक करो ये स्ट्रिक्टली पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको ओपन ब्रैकेट ही लगाना है। ओके ये यूनियन नहीं लगाना था दीपांशी, यूनियन तब लगता है जब दो स्ट्रिक्टली, दो इंक्रीजिंग या दो डिक्रीजिंग एक साथ हो, ठीक है, ये अलग अलग होंगे, ये यूनियन हटाना। ठीक है चिराग, दीपांशी बात क्लियर हो गई बेटा, कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। पुष्कल बच्चे बढ़िया, सब
सर थर्ड वाले में इन्फिनिटी से माइनस टू डिक्रीजिंग, ओके देखते हैं सर, हो गया फोटो भेज दो फोटो, बिल्कुल सी डी कंप्लीट करते रहो, चलते रहो, भागते रहो, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो इनको। ओके वंशिका भी देखते हैं बच्चे, ओके सबके चेक हो गए, अब तो कोई रहा तो नहीं। उसका बेटा ब्रैकेट गलत लगाए, मुस्कान एक तो इन्फिनिटी पे भी आपने क्लोज लगा दिया, दूसरा क्रिटिकल पे भी, तो ये गलत हो गया। ई पार्ट में प्रोडक्ट रूल सही है, कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे तो। सुचित सर ये थर्ड वाला बढ़िया है बेटा आपको, मैंने लिया, जल्दी जल्दी करते जाओ और देखो ई पार्ट तक कहाँ दिक्कत आती है। फर्स्ट इज कंप्लीटेड, सेकंड इज आल्सो कंप्लीटेड, थर्ड करो, थर्ड में आपके दो वैल्यू आएंगी, ये इजी रहेगा, ये मजेदार होगा, ये स्टार क्वेश्चन रहेगा थोड़ी देर के लिए आज। नहीं भेजने नहीं है, बस करते जाओ। हाँ, आपका वाला यूनियन सही है सोची, वो तो दो जगह आ रहा है ना इसलिए। मुस्कान करेक्शन करना बेटा, आपको एक बार और भेजना है आपकी बार। जल्दी करो, देखो डाउट किस में आता है। स्टार क्वेश्चन डन, ओके बढ़िया बेटा। अभी करेंगे हम भी इसको, स्टार वाले को करेंगे, करो आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है बेटा, बढ़िया काम चल रहा है आप लोगों का। आयुष आयुष गलत, कैलकुलेशन बिल्कुल गलत, चेक करो, हम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे बच्चे। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट एज इट इज, कॉमन लिया, दोनों ब्रैकेट्स के स्क्वायर कॉमन आए, स्ट्रिक्टली में ओपन लगाते हैं, बिल्कुल बेटा वरुण, ओके आयुष गुड बेटा, चलो अच्छा हो ना आप लोगों, आपने चेक करा लिया अभी, छोटी छोटी मिस्टेक सबको सबकी पता लग गई होंगी जो भी आपने करा। यहां से टू कॉमन आ रहा है तो ये सिक्स हो गया, और बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगी भाई इसमें, इस क्वेश्चन में एक बहुत बहुत मजेदार बात आने वाली है, सो सभी लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाना, यहाँ पे आपको कुछ नया बताएंगे आज। वंशी का बेटा कौन सा भेज दिया आपने ये, ओके गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स,
एफ डैश एक्स को जीरो रखा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स माइनस वन, थ्री और टू. सुनो बिल्कुल, यहां के बाद ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी एक्स माइनस वन होगा, माई मिस्टेक पाथ. वेरी गुड बेटा, ये वन आएगा. अब सुनो भी सारे बच्चे, बहुत केयरफुली सुनेंगे, मैं आपको बहुत मजेदार बातें बताऊंगा यहाँ पे, सबके सुपर काम की बातें हैं वो. हमारे पास एक इंटरवल है और अटेंटिव होके बैठ जाना, बिल्कुल आराम आराम से सुनना. जितने भी ऑब्जेक्शन आए, डाउट आए, वो पूछते चलना. एक हमारे पास आया माइनस वन, फिर हमारे पास आया वन, एक आया हमारे पास थ्री. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन लेंगे. ओके, स्ट्रिक्टली पूछा है तो ओपन ब्रैकेट ही लगाएंगे. एक हम माइनस वन से वन लेंगे. ये कई बच्चों ने कर भी लिया होगा तो वो भी साथ साथ बने रहेंगे, उनके लिए भी कुछ है इसमें, सबके लिए बहुत कुछ है इसमें. ठीक है, अब आपको जो एक्सप्रेशन चेक करना है उसमें सिक्स है, सिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे. एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस थ्री है, और भी चलो एक दो बना लेते हैं. क्या हो गया, राइट. एक्सप्रेशन में कौन कौन है हमारे पास, एक तो सिक्स है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर है. यस पाथ, इससे भी आगे एक बात और आएगी इसमें फिर, और एक्स माइनस वन है, और इससे बनेगा आपका एफ डैश एक्स, और यहां से मिल जाएगी आपको नेचर. देखो यहां से कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, तो और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, सिक्स तो पॉजिटिव है, और स्क्वायर से भी कभी नेगेटिव आएगा नहीं, तो ये कंफर्म पॉजिटिव ही पॉजिटिव है. तो सारा दारोमदार, सारा का सारा फोकस किस पर, एक्स माइनस वन पर. अब माइनस इंफिनिटी और माइनस वन के बीच का कोई नंबर सोचो, माइनस टू. अगर मैं माइनस टू यहां पुट करता हूं तो नेगेटिव, यहां का कोई नंबर सोचो, जीरो, जीरो पुट करते हैं तो नेगेटिव. वन और थ्री के बीच का कोई नंबर सोचा, टू, पॉजिटिव. थ्री और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचा, फोर, फोर को पुट करो एक्स माइनस वन में तो पॉजिटिव. यहां से आया नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सुनिएगा अब यहाँ पे एक बात, पहली बात इंपॉर्टेंट आ रही है, बिल्कुल कोई कंफ्यूज ना हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना एक एक बात. माइनस इंफिनिटी से माइनस वन ओपन ब्रैकेट और माइनस वन से वन, दोनों में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो यहां पे यूनियन लगाया तो बन गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. वन से थ्री और थ्री से इंफिनिटी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता दो, मत करना निग्रह, बोर्ड में चेक करी जाने लगी आजकल ये. इंटरवल को फोर को टू में पाथ अभी बताते हैं, इस बात को यही बतानी है अभी. स्ट्रिक्टली में कोई इश्यू किसी को,
क्या चेक होने लगा है अब बोर्ड में? टेबल, जैसे हम टेबल में दे रहे हैं ना प्रेजेंटेशन, तो बोर्ड में टेबल ही मांगते हैं। प्रशांत जिंदल जी, आपकी बात अभी बताई जाएगी, यही डाउट पाठ का है, यही आपका है, बिल्कुल बताएंगे अभी। और किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, फिर बात खत्म हो जाएगी। गार्गी बेटा, ब्रैकेट गलत लगा है स्ट्रिक्टली में, बाकी सही है। सर यूनियन कंबाइन हो जाएंगे, ओके। सर अगर इंक्रीजिंग यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट लिख सकते। श्रेया बहुत बढ़िया डाउट पूछ रहे हो, तो मैं बेटा प्लीज चेक। हाँ बेटा अभी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग भेजा है। देखो अब बात वही आती है जो आप लोग सारे डाउट पूछ रहे हैं, मैं इसको ही क्लियर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल 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 सही बात। देखो स्ट्रिक्टली की बात आएगी तो आप क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये आंसर तो रहेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है किसी भी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट आपको 3 मिले हैं, आपने अगर इनको इंक्लूड कर लिया तो आंसर एकदम 0 हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली में इन तीनों का इंक्लूजन अलाउड नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता जस्ट इंक्रीजिंग का, जस्ट इंक्रीजिंग का आता, तो क्या करते? अब देखो आपका यहां इंक्रीजिंग है और यहां यहां डिक्रीजिंग है और यहां भी डिक्रीजिंग है, तो माइनस इंफिनिटी से -1 और -1 से 1, तो आप ये कहते कि -∞ से 1 तक आपका फंक्शन कैसा है? सॉरी, जस्ट डिक्रीजिंग। और 1 से 3 जाते और फिर 3 से इन्फिनिटी जाते, ऐसा नहीं हुआ आप 1 से 3 गए 3 से इन्फिनिटी, तो आप 1 से तो इन्फिनिटी चले गए और यहां हो जाता जस्ट इंक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आएगा तो ये इंटरवल आंसर होंगे, और अगर स्ट्रिक्टली का आएगा तो ये आंसर होंगे। अभी भी बात आधी बताई गई है, पहले यहां तक की बात क्लियर है, तो ये क्या नई बात हुई? मुझे कुछ नहीं लगी, बिल्कुल अभी तो कुछ है ही नहीं नई बात। अभी कोई नई बात नहीं आई है तुषार, कोई नई बात नहीं आई है, नई बात आएगी अभी। नई बात थोड़ी सी ये कह सकते हो कि हमने ब्रैकेट को कंबाइन करना भी, पहली बार हमने कंबाइन किए हैं ब्रैकेट। ठीक है, ओके पुष्कर जय। तो सर ब्रैकेट तो कंबाइन करें ना थोड़ा सा, ये तो थोड़ा सा है ही, मतलब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कंबाइन नहीं कर सकते। कंबाइन कैसे करें बच्चे? आप देखो ना बीच में -1 को तो ले ही नहीं पा रहे ना हम, -1 इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, तो ये कनेक्ट कैसे होंगे? ब्रैकेट कंबाइन करना जरूरी है, अगर अगर ये वाला केस है तो जरूरी है, इस केस में जरूरी है। बिल्कुल कंबाइन करके, इंक्रीजिंग में ये कंबाइन करके ही लिखे जाएंगे। और किसी के मन में कोई बात हो तो पूछते चलो, टाइम बहुत है हमारे पास। यस तुषार, ओके
ओके गार्गी, सही है आपकी बात। अब ठीक है सुची, स्ट्रिक्टली के केस में प्रशांत कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? अब मेन बात बता दो, मेन बात में तो बड़ी मेहनत है यहाँ पे। प्रशांत का स्टेप भी पूछ लेते हैं। अब आती है सुपर मेन बात, क्योंकि आपने साइन नहीं लगाया डेरिवेशन करते वक्त, डिफरेंशिएशन करते वक्त। छवि समझ में नहीं आई बेटा, क्या डाउट पूछ रहे हो आप? मेन बात सुनो भी जल्दी से, सेकंड स्टेप मतलब ये है, क्या नहीं लगाया? साइन लगाया हुआ है देखो, एफ डैश एक्स। इसके बाद कॉमन ले लिया, स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर टू कॉमन ले लिया, इन्हें जीरो रख लिया, आपको पॉइंट मिल गए, इंटरवल बना लिए। प्रॉब्लम कहां पे आई है? ओके चलो भाई एक बात सुनो भाई, अब यहां पे आके कहानी ये है कि यहां हमारा नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। यहां से सुनना भी नई बात आएगी, बिल्कुल नई, एक तो नई होती है, ये बिल्कुल नई आएगी। अब अगर ये समझ में आ गई तो समझ लो एक एक्सरसाइज और हो गई हमारी, ठीक है? यहाँ हमारा नेगेटिव आया था, यहाँ हमारा नेगेटिव आया था, यहाँ हमारा पॉजिटिव आया था, यहाँ हमारा पॉजिटिव आया था। इस बात में किसी को कोई डाउट, किसी को कोई धोखा लग रहा हो? तो हो क्या रहा है कि आपका ग्राफ माइनस इंफिनिटी, ये एक रफ आइडिया है भाई, फिर एग्जैक्ट मत समझना, सिर्फ समझाने के लिए। ये सभी दृश्य काल्पनिक हैं, इनका किसी भी वास्तविक जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तो ये ऐसा सोच के इसको समझना बस। आपका ग्राफ माइनस इंफिनिटी यहां होता है, यहाँ होता है प्लस इनफिनिटी। एक्स की बात हो रही होती है, नंबर लाइन हमेशा एक्स एक्सिस ही होती है। आपका ग्राफ नीचे को गिरना शुरू हुआ, ठीक है जी? देखिए कुछ ऐसा आया 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 आया, और यहां सीधा हो गया, फिर आया 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 आया, ठीक है? फिर ये चला 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 चला, फिर आपका चला 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 चला, और ये पॉइंट मेरा वन है, दिस इज माइनस वन।
माइनस वन और ये वन, नहीं ये वन है, ये थ्री है, सिर्फ समझाने के पर्पज से हो रहा है ये सारा काम। ठीक है, अब जरा आप ये बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन को फॉलो करना। आप सुनो, माइनस इन्फिनिटी से आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है या नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। और माइनस वन के बाद भी डिक्रीज हो रहा है या नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। और वन से क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। और थ्री से भी क्या हुआ, इंक्रीज ही हो रहा है। इज इट ओके, चेक कर लो भाई, किसी को कोई डाउट तो पूछ लेना। जीरो क्या हुआ, सब बढ़िया। आयु जीरो क्या, जीरो बताएंगे अभी वैसे, पर तुम्हारा कौन सा जीरो है वो समझना चाहते हैं जरा हम। एक पर गलत नहीं बना, एक पे नहीं। देखो एक से पहले क्या था, डिक्रीजिंग, और एक के बाद कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो सही है, बिल्कुल करेंगे सुची, बिल्कुल यही करेंगे अभी। स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, बना स्ट्रेट लाइन बना, क्यों नहीं बना सकते बताएंगे। ठीक है, श्योर है स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बना सकते बताएंगे। यस, एक्स एक्सिस पे नहीं आना, एक्स एक्सिस के पैरेलल आना है बेटा। आयुष जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है नहीं, हर जगह एक्स है, इसलिए हर जगह एक्स है तो इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं है। नई बात बता रहे हैं, बता रहे हैं। एक बार देखो, अभी आपका ग्राफ नेगेटिव 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 होता रहा, और यहां पे आके ये सीधा हुआ और फिर नेगेटिव ही होता रहा, तो यहां पे कहीं पे ये जीरो हुआ। तो जब ग्राफ आपका नेगेटिव से नेगेटिव ही हो, मतलब नेचर चेंज ना हो बट बीच में जीरो हो जाए, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सिलेबस में है ये, कभी सोच रहे हो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब भी ग्राफ नेगेटिव से नेगेटिव ही है बट बीच में कहीं जीरो हो गया, तो नेचर में चेंज नहीं हुआ बट बीच में जीरो हो गया। ऐसे तो माइनस वन भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, थ्री भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि प्लस से प्लस ही हुआ बट बीच में कैसा हो गया, जीरो। तो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ही रहा बट बीच में हो गया जीरो। तो इस टाइप के पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अभी भी पूरी बात नहीं बताई गई है, थोड़ी बात हुई है अभी भी। पहले ये बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आया है या नहीं आया है, आराम से बताओ सारे बच्चे। सर हर ग्राफ में होगा, नहीं हर ग्राफ में नहीं होगा, बहुत कम में होगा। सर एक पर क्यों नहीं है, पाथ वेरी गुड, एक पर आप देख रहे हो, मैंने कहा था माइनस से माइनस ही हो या प्लस से प्लस हो और बीच में जीरो हो, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यस, इसलिए हम क्रिटिकल पॉइंट बोल देते हैं। यस सर, डिफाइन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन पे जाओगे तुम। चलो बता देंगे, बता देंगे इसकी डेफिनेशन, फिर एक नई बात आ जाएगी, परेशान हो जाओगे आप। फिर मुकुल पूजन से डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सर जीरो टू माइनस वन से, जीरो टू माइनस वन से वन पर हुआ होगा, पर माइनस वन से वन पर हुआ होगा, नहीं, माइनस वन से वन पर नहीं हुआ। आप यहां देखो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक नेगेटिव था हर जगह, और माइनस वन से भी आगे नेगेटिव था, पर बीच में कैसा हुआ, जीरो। तो माइनस वन पर थोड़ी देर के लिए जीरो हुआ और लेफ्ट और राइट दोनों जगह नेगेटिव हुआ। प्लस टू प्लस है, प्लस टू प्लस कैसे है वन के केस में, वन के केस में नेगेटिव, देख रहे हो यहाँ नेगेटिव है, आप देखो इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है।
थ्री में, यस थ्री में सही है, थ्री में पॉजिटिव से पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव से पॉजिटिव हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नेगेटिव से नेगेटिव हो बीच में जीरो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसीलिए स्ट्रेट लाइन नहीं लेते। ये बात भी सही है। हाँ ज्योति तुम्हारी बात पे आ रहे बेटा, वो बात बची उसको तो बतानी है अभी एक और बात। अब देखो भाई यहाँ पे अब बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा, दो तीन डाउट आ गए नए नए, बहुत अच्छे डाउट हैं सारे सारे आपके मतलब के। पहली बात, अगर माइनस से माइनस हो बट बीच में कैसा हो गया जीरो, तो आपका क्या बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। प्लस से प्लस हो बीच में हो जीरो तो भी क्या बनेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो, नेगेटिव से पॉजिटिव हो, सोचो नेगेटिव 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 से पॉजिटिव हो, तो इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मिनिमा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। तो एक चीज हो गई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और एक चीज हो गई मिनिमा एंड मैक्सिमा लोकल। सर जहां चेंज हुआ वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा मतलब, यस। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिर्फ इन दो केस में होगा। इस केस में इसे क्या बोलेंगे, देखो तीन चीज होती है, एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक होता है लोकल मैक्सिमा और एक होता है लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब, या तो माइनस से माइनस हो या प्लस से प्लस हो। मैक्सिमा कब होगा जब प्लस से माइनस हो। बिल्कुल यूज करी थी अभी भी, एक एक ग्लोबल कोर्स में नहीं हुआ है ना। हाँ अनिग्रह आगे की दो तीन एक्सरसाइज थोड़ा वेट कर लो, तुम ये वर्ड बोलोगे तो मुझे बताना पड़ेगा फिर आगे। फिर इन शॉर्ट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर चेंज नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बिल्कुल सही बात। लेकिन बीच में जीरो जरूर होना चाहिए। अब एक डाउट आया था बीच में श्री मुकुल अग्रवाल जी का था, खतरनाक डाउट है, सुपर डाउट है, कोई बच्चा है इनकी नजर उतारो, इन्होंने खतरनाक बात पूछ ली आज। देखिए सुनोगे ध्यान से याद रखोगे, स्टंटबाजी वाला डाउट है वैसे तो, किसी को भी परेशान करना होता है तब। हो जाए तो सुनोगे बच्चों, ऐसा कब होगा कि नेचर सेम है पर जीरो नहीं है। नेचर सेम है पर जीरो नहीं, मैं समझा नहीं पास डाउट तुम्हारा अभी। नेचर सेम है जीरो नहीं है, चलो एक बार पहले इसे समझ लो। नहीं जीरो नहीं है बोला है तो वो स्ट्रिक्टली है वैसे तो बात, अगर तुम जैसे पूछ रहे हो नेचर सेम है तो वो स्ट्रिक्टली है, फिर तभी तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है। सुनो भाई मुकुल का डाउट सुनना क्या था, मुकुल कह रहे थे सर आपने ये कहा कि ये ऐसे आया डिक्रीज होता रहा होता रहा होता रहा, फिर यहाँ फॉर ए मोमेंट ये जीरो हुआ और अब ये ऐसा हो गया, तो आपने कह दिया दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या सभी बच्चे इस बात को जानते हैं या नहीं? किसी को भी डाउट हो पूछ लो, आप चेक करते चलो ग्राफ लेफ्ट टू राइट ही देखना। कभी भी कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो राइट टू लेफ्ट देख रहा हूँ तो इंक्रीजिंग है, आप कैसे कह रहे हो, हमेशा ग्राफ लेफ्ट टू राइट देखा जाएगा। तो ये आपका डिक्रीज 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 होता जा रहा है और अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो श्री मुकुल अग्रवाल का डाउट ये था, इन डेफिनेशन व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सुनो भाई इसको चेक करने का एक जिसे कहते हैं ना खतरनाक मेथड, सुपर खतरनाक। हाँ आयुष कितने भी हो सकते हैं, मेथड पे फोकस करो अभी सारे बच्चे। आप एक चीज देखो,
यहाँ पे कर्व और टेंजेंट दो चीजें हैं, जो लाइन टच करती हुई जाए दैट इज टेंजेंट। तो ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत रिलैक्सफुल रहना आराम से। ए से लेकर बी तक मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, हाँ हो सकते हैं बेटा, कितने भी हो सकते हैं, अभी अभी इस पे फोकस रहो सारे बच्चे। मैं कितनी भी टेंजेंट बनाऊं ए से लेकर बी तक, कौन सी चीज ऊपर है, कर्व ऊपर है कि टेंजेंट ऊपर है ए से बी तक, कर्व ऊपर है या टेंजेंट ऊपर है ए से बी तक। ओके गुड, दैट्स क्विक। तो जब किसी कर्व में बच्चों, जब किसी कर्व में अब कौन ऊपर है, यहां टेंजेंट ऊपर है कि कर्व ऊपर है, पता चल रहा है ना, कर्व का ऊपर होना या टेंजेंट का ऊपर होना। तो जब कर्व ऊपर होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम कॉनकेव अप। और आप बी से सी पर जाओ, कौन ऊपर है, टेंजेंट या कर्व, बी से सी तक। ए से लेकर बी तक कर्व ऊपर है और बी से लेकर सी तक टेंजेंट ऊपर है, तो कर्व का ऊपर होना मतलब ग्राफ, ग्राफ आपका कैसा है, दिस ग्राफ इज कॉनकेव अप। कहां से कहां तक, ए से बी तक ग्राफ कॉनकेव अप है, और फिर ये हो गया कॉनकेव डाउन। आप एक चीज देखो, छवि ये देखो, अभी आप टेंजेंट बनाओ तो ऊपर नीचे, आप देखो ना ऊपर कौन है, ये नीचे है ऐसे। नहीं, एनसीईआरटी में कहाँ होगा बेटा, ये बात ऐसी चीजें एनसीईआरटी में कहाँ होंगी, मेरी नॉलेज में नहीं है शायद। अभी बात पूरी नहीं हुई है, पर अभी सबसे पहले बस आपको ये चेक करना है, देखो मैंने ग्राफ बनाया ये, अब देखो यहां पे कर्व ऊपर है टेंजेंट नीचे है, अब मैंने ग्राफ बनाया ये, तो टेंजेंट ऊपर है कर्व नीचे है, तो दिस इज कॉनकेव डाउन एंड दिस इज कॉनकेव अप। यहां कर्व ऊपर है, यहां टेंजेंट ऊपर है, तो कर्व डिसाइड करता है, कर्व जैसा है वही कॉनकेविटी होती है, दैट इज नोन एज कॉनकेविटी। एंड द पॉइंट वेयर ग्राफ चेंज इट्स कॉनकेविटी इज नोन एज नो स्लोप, नो पीओआई के बिना स्पेसिफाई, बिना ग्राफ के पीओआई स्पेसिफाई नहीं कर, नहीं वैसे तो हो जाता है कैलकुलेशन में, बट डेफिनेशन यही है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट। हाँ इसमें बच्चे ये देखो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे ग्राफ अपनी कॉनकेविटी चेंज करता है, बट ये बात वैसे नहीं बताई जाती कभी भी ना 12th में, कि पीओआई इज द पॉइंट वेयर ग्राफ चेंज इट्स कॉनकेविटी। चेक करो, ये नेगेटिव था, अब भी नेगेटिव ही था, सो इसमें क्या खास बात हुई, खास बात ये हुई कि इस पॉइंट से पहले कर्व ऊपर था, इस पॉइंट के बाद कर्व नीचे है, सो बी पॉइंट पर कॉनकेविटी चेंज हुई। लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा क्या होता है, जहां पे ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव हो। मिनिमा क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो। पीओआई क्या होता है,
अब आपके पास है पॉइंट बताने के लिए, POI इज अ पॉइंट वेयर कर्व चेंज इट्स कॉनकेविटी, तो POI पे कॉनकेविटी चेंज होती है। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये मुकुल अग्रवाल का डाउट था। पूछते रहो बेटा, पूछते रहो, नॉन स्टॉप पूछो। व्हाट इज कॉनकेव? नहीं, कॉनकेविटी कभी फाइंड नहीं करवाई जाती आप लोगों से। IIT में इसका स्कोप है बट और कहीं नहीं है। IIT बैचेस में कॉनकेविटी की जरूरत पड़ती है और कहीं नहीं पड़ती। ऐसा हो सकता है कि दो लोकल मिनिमा एक साथ आ जाए? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ है ना आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट में ऐसे ही चलेगा। अच्छा नहीं, रोज शर्म कैसे फेल हो जाएगी फिर? तो कॉनकेविटी की कोई वैल्यू होती है? डीवाई बाई डीएक्स ही तो कॉनकेविटी डिसाइड करती है। देखो, हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं, हम ये नहीं देखते कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। अभी भी हम बात जो कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि भाई कर्व ऊपर है, कितना ऊपर है, कितना टेढ़ा है, ये नहीं देखते। सो इसके मैग्नीट्यूड नहीं, इसकी नेचर इंपॉर्टेंट है। एडजेसेंट टू ईच अदर सूची कैसे आएंगे आप? देखो, ए ये आपका मिनिमा हो गया, अब मिनिमा के बाद तो मैक्सिमा आना ही आना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता दो एडजेसेंट हो जाए। हाँ, नहीं करता तो नहीं करता। सुनो, तो फिर जरूरी नहीं है कि दो वो जरूरी होगी मैक्सिम। ऐसा भी तो हो सकता है ग्राफ कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है इसमें, ना मिनिमा ना मैक्सिमा। सर MCQ कब से होंगे? स्कूल में टेस्ट शुरू हो रहे हैं, मैथ्स के करा देते हैं, जल्दी करा देते हैं, मे भी कल भी करा सकते हैं। डन है भाई, बात समझ में आ गई? तुषार, प्लस टू माइनस को लोकल मैक्सिमा कहते हैं, यस, और माइनस टू प्लस को लोकल मिनिमा कहते हैं, और प्लस टू प्लस और माइनस टू माइनस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। चलो जी, काम की बात मिल गई आप लोगों को। हाँ, एक बार क्या बेटा, एक बार बताओ बताओ रिवाइज। अरे बेटा, आप रिवाइज करवाओगे? देखो ऐसे था, यहां पर आपका कर्व अप था और यहां टेंजेंट बनाई तो कर्व डाउन था। ऐसा हुआ इस पॉइंट के बाद, यहां तक आप देखो कर्व ऊपर ही चलता जा रहा है और यहां के एकदम बाद कर्व नीचे होता चला गया। सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और कर्व ऊपर मतलब कॉनकेव अप, कॉनकेव और कर्व एक ही बात है। यहाँ पे क्या है? कॉनकेव डाउन। एंड द पॉइंट वेयर कर्व चेंज इट्स कॉनकेविटी, नेचर चेंज करता है कॉनकेव की, तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे देखो, यहाँ पे प्लस 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 होता जा रहा है, फिर कैसा हुआ माइनस, तो प्लस टू माइनस होगा तो उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और माइनस 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 होते हुए फिर देखो प्लस होना शुरू हो गया, तो दिस इज नोन एज लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आपका।
dy by dx किसके इक्वल है, डिफरेंशिएशन किया 1 प्लस एक्स। ये तुषार अभी इसकी पूरी एक्सरसाइज आने वाली है, तब इनके बारे में डीप डिस्कशन होगा, और बाकी मैं एक वीडियो शेयर भी लिंक करूंगा, उसे जरूर देखना, बहुत मेहनत करी है उसमें हमने यही समझाने में जो आप पूछ रहे हो। वीडियो में हो सकता है, मुझे याद नहीं है बच्चे। तो ये हमारे पास है 1/1 + x, सॉल्व किया, इनवर्स टीगो का मैं एक असाइनमेंट दूंगा तुम्हें आज थोड़ी देर बाद ही, जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उससे कल तक कर लेना। कल जो भी आपकी क्लास होगी ना, अगर एमसीक्यू की क्लास हुई यूट्यूब पे, तो वो उसी असाइनमेंट पर बेस्ड होगी। एलसीएम लिया, सॉल्व करते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे, dy by dx को 0 रखेंगे, यहां मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा भी, थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि यहाँ पे ना न्यूमरेटर बेसिकली होता क्या है कि न्यूमरेटर को 0 रखने से और डिनोमिनेटर को 0 रखने से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब न्यूमरेटर में कौन है, देखो इसे रफ में करा करो लेकिन काम को, तो यहां से आपको एक तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया, 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में और भी कुछ खास अच्छी अच्छी बातें आने वाली है अभी। वैसे तो इस क्वेश्चन में एक सिंपल सी बात है, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। हाँ बिल्कुल, पर मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला था। अब देखो आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है, ये -1 से ग्रेटर देखना है। अब -1 से लेके इन्फिनिटी में कोई भी पॉइंट आप सोचो, 0 रख के देखे तो आपका 0 आ जाएगा, कुछ और रख के देखे तो आपका पॉजिटिव आएगा। रख के देखो आप कोई भी पॉइंट, तो आपका dy by dx हमेशा कैसा आ रहा है इसमें, आप देखो 0 भी आ रहा है, 0 कैसे आ जाएगा, 0 रखने से 0 आ जाएगा, और कोई और वैल्यू रखी तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपका आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर ये कैसा फंक्शन हो गया, आपका हो गया इंक्रीजिंग। हाँ बेटा, वो एक्चुअली सर एक बार इंटरवल कैसे आया बता दो। इंटरवल तो एक्चुअली बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसलिए अब -1 से ग्रेटर सोचना है आपको, तो -1 से ग्रेटर कहां तक जाएगा, -1 से इन्फिनिटी। तो इसलिए तुषार वो वाली बात किसी और अच्छे क्वेश्चन में बताएंगे।
ठीक है, डन है ये वाला? वेरी गुड। ठीक है, इसे देखते हैं। dy बाय dx निकाला, dy बाय dx कितना आएगा? 2 के साथ x के साथ x माइनस 2, और डिफ्रेंशिएशन किसका? बॉक्स का। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आराम से, तो पहले एक काम और कर सकते हो कि आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, अब डिफरेंशिएशन करो। ठीक है जी, यहां से 2 कॉमन, x कॉमन, एक और 2 कॉमन, अब क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? एक 0 आया, एक 1 आया और एक 2 आया। जीरो, वन और टू। हाँ, ये तुषार ऐसे ही रहता है बेटा, क्या कर सकते हो आप भाई। बाकी 7 स्टूडेंट्स को सब आता होगा, इसलिए वो निकल जाते हैं। देखो कौन कौन है इसमें, एक वासु है, नहीं कौन कौन है, कुणाल है। खैर, आप देखो आपके पास में माइनस इंफिनिटी से जीरो, माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच का कोई नंबर सोचो, या तो टेबल बना के कर लो इसको। ठीक है, वैसे तो टेबल बना के करना चाहिए, एग्जाम में वैसे ही करके आना है। तो आपने इंटरवल बनाए, तो ये तो हो गया आपके इंटरवल। फिर आपके पास आ गया एक एक्स वाला एक्सप्रेशन, एक एक्स माइनस टू वाला, एक एक्स माइनस वन वाला, इससे आ गया एफ डैश एक्स वाला। फिर बन जाएगी आपकी नेचर, यहाँ बनाएंगे हम ऊपर इंटरवल, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इंफिनिटी, इंक्रीजिंग पूछा है तो क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्लूड कर लेंगे। फिर आया 0 से 1, 1 से 2, माइनस 1 क्या मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है? माइनस 1 क्या कह रहे हो बेटा? दोनों दो बच्चे माइनस 1 कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, माइनस 1 क्या कह रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा ओके, ओहो इतने इंटेलिजेंट कहाँ है बेटा, आप एडवांस चल रहे हो। ठीक है, यहां से आ गया एफ डैश एक्स, और यहां से आ गई हमारे पास नेचर। सो यहाँ के लिए माइनस वन लिया तो आपका ये नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, डिक्रीजिंग आ गया। 0.5 लिया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आ गया। ओके ठीक है बेटा वरुण, समझ में आ गया। 1.5 लिया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। फिर यहाँ पे लिया हमने 3, तो पॉजिटिव, 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 इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो आप क्या बोलोगे? 0 से 1, और यूनियन करेंगे। बच्चा पूछ रहा था ना यूनियन क्यों कर देते हो, इसलिए यूनियन कर देते हैं जब एक से ज्यादा आते हैं। यहाँ पर हो गया आपका इंक्रीजिंग। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। कंबाइन, यस
चलिए जी, इसे क्लियर करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ओहो, क्वेश्चन भी बढ़िया वाला ही है, तो इसे कर लो पहले। चलो देखो, यहाँ पे इंटरवल भी दिया हुआ है और फंक्शन भी दिया हुआ है। तो y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, log x, और इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से इन्फिनिटी। आपने निकाला है dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका 1/x। इस इंटरवल के लिए हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ग्राफ आपका कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये एनसीईआरटी में ये गड़बड़े बहुत हो रही है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, इसमें कोई परेशानी हो पूछ लो। डन, एक और देख लेते हैं। ओके, इलेवंथ, इलेवंथ में हमारे पास एफ एक्स है, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x-1। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। एनसीईआरटी में बहुत गलती है बेटा, जे हमने स्ट्रिक्टली निकाला है वो स्ट्रिक्टली ही है। ओके, तो आपके पास में ये पॉइंट आ गया। क्वेश्चन में कहा है कि -1 से 1 तक देखो बस, और बताओ क्या हालात है। तो इंटरवल क्या बनेगा, -1 से 1/2, स्ट्रिक्टली बोला है तो इसलिए हमने इंक्लूड नहीं करा, 1/2 से 1। और आपके पास है एफ डैश एक्स जो है 2x-1। माइनस वन और 1/2 के बीच का नंबर 0 सोचा, नेगेटिव आया। यहाँ पे 0.7 सोचा तो पॉजिटिव आया। तो ये आपका डिक्रीजिंग है या आपका इंक्रीजिंग है। अब एक वर्ड बोलना है तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं, -1 से 1 के बारे में हम ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मिक्स हो रहा है इसलिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मैंने बहुत छोटी छोटी 3 वीडियो भी भेजी आपके पास, ये भी कंप्लीट करनी है हमको। मिक्सिंग ही लिखेंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, आप इसमें डायरेक्ट लिखेंगे एज वी कैन सी द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1/2 and strictly increasing in 1/2 to 1. Therefore, it is neither strictly increasing nor strictly decreasing. Mixing word ne likhenge. Bas iske baad direct likh do aap. Aap mein table bana di na iske baad likh do. Therefore, neither strictly decreasing nor increasing. Sab humne table mein bana diya to koi zarurat nahi hai sir. Ye last question hai. ओके, एक और कर लो, बच्चे थक गए इसमें, अभी तो काफी सारा बचा हुआ है, एक दो दिन और लगाएंगे इसमें। क्या हो रहा है बेटा शौर्य, क्वेश्चन करना जरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा,
हाँ सही बात है। हाँ 5/2 है बेटा, बिल्कुल। हाँ हो गया बस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके हाँ जी, सबका हो गया, बताते जाओ, बस लास्ट क्वेश्चन नहीं है, जिसका हो जाए वो फ्री हो सकता है। बोलो आयुष बेटा, पूछते रहो।